करुछि मो रोजालिन। आमरो प्रयास आपणक निकटरे सत्य खबर सठिक टाइम रे पहुंचाइबा। एबे खबर देखिबा पूर्वरु चलतु नजर पकाइबा प्रथमे आजर हेडलाइन्स उपरे। पुरी को मिलिला ग्रीन जोन, सहरवासी सामान्य अस्वस्ति। कर्मरे नियोजित पई रंगतुड़ी कलाकारक विक्षोभ। मृतक चाषी परिवार को सहयोग हाथ बढ़ाइले विधायिका। वर्तमान खबर संपूर्ण रे। कोरोना महामारी रो मुकाबला पाई दो फेज रो लॉकडाउन और एबे केंद्र सरकार रो निर्देश क्रमे थर्ड फेज रो लॉकडाउन स्टार्ट है जी। समस्त पुरीवासी बहुत कष्ट है करी भी जो प्रशासन को सहयोग करी छे सेति पाई धन्यवाद जणाइबा को चाहू छी। लेकिन आसंता पीरियड रे आम समस्त को सही स्पिरिट को कंटिन्यू करिवार अछि। से हमरो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिवा कथा हो कि मास्क पिंधिबाटा कथा हो कि हाथ धोइबार जो प्रैक्टिस है छि सेटा रहो एटा सब को स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करिवो। और ता संगरे जिला प्रशासन को एक और सहयोग आपन समस्ते करिवे कांटेक्ट ट्रेसिंग पई। हमें जते बेले कोई भी केस आसे सेते बेले बहुत बड़ो डिफिकल्टी हुए। कांटेक्ट ट्रेसिंग पई आपन समस्ते प्रत्येक दिन आपन अत्यावश्यक काम रु जते बेले बाहरंती सेते बेले को जगह रे जानती कहा संगरे कहा संस्पर्श रे रहंती सेठा को आपन सबु दिन घर रे संध्या रे सोइबा पूर्व लिखिकरी गोटे पेज रे रखिबे। आमको प्रशासन को केबे भी दरकार पड़ले बहुत साहाज्य मिलिबो। कोरोना सारा विश्व को आतंकित करितिबा बेले एहाठारु रक्षा पाइबा लागि सारा देश तथा राज्य को लॉकडाउन रखा जायछि। पूर्वरु लॉकडाउन अवधि मे 3 तारिख रे सरुथिबा बेले गतकाली केंद्र सरकार लॉकडाउन अवधि को आउ 2 सप्ताह बढ़ाई मे 17 तारिख पर्यंत लॉकडाउन पूर्व परि रहिबो बोली घोषणा करिछंति। ओडिसा रो सरकार विभिन्न जिला गुडी को 3 भाग रे विभक्त करी रेड ऑरेंज एवं ग्रीन जोन भाबे विभक्त करिछंति। सहीपरी रेड ओ ऑरेंज जोन अंचल गुड़ी करे लॉकडाउन नियम पूर्व परी रहिथिबा बेले ग्रीन जोन अंचल रे लॉकडाउन नियम सामान्य कोहल हेबा सह समस्त दुकान बाजार खोला रहिबा सह लोकमाने सामाजिक दूरता बजाय रखी समस्त कार्य करि परिबे बोली केंद्र सरकार घोषणा करिछंति। अन्यपटे पुरी को ग्रीन जोन भाबे घोषणा हेबा परे सहरवासी सामान्य आश्वस्ति अनुभव करिबा सह साधारण जीवन यापन स्वाभाविक होइछि एवं पुरीर विभिन्न अंचल रे जनगहली देखिबाकु मिलिछि। वर्तमान केंद्र सरकार को तृतीय पर्याय लॉकडाउन घोषणा अवधि 2 सप्ताह को बढ़ा जायछि। तो यहाँ मध्य देखा गले पुरी को मिलिछि ग्रीन सिग्नल तथा ग्रीन जोन रो सिग्नल मिलिछि। तो कह अन्य पक्षे पुरी सहर तथा जीवन जापन जनसाधारण बाहर को बाहर एक प्रकार साधारण व्यवस्था पाली कारण अन्य पक्षे कह पुरी संक्रमण संख्या कम हेतु एवं पूरी प्रशासन जो भाव कठोर पदक्षेप हेतु विभिन्न माध्यम द्वारा पूरी को संक्रमण रोक जाए स्वागत योग्य पदक्षेप। आम सहित किसी पूरी बासिंदा अच्छा आसमें आम बुझे ना कि पूरी को जो भाव ग्रीन सिग्नल मिली कि भाव से सब सचेतन अच्छा कि भाव से निज घर रहीकि निज बोली मन कर। हाँ आम से बहुत खुशी होेहतु आम पूरी संक्रमित संख्या बहुत कम अच्छी और ग्रीन जोन भी आम पूरी बर्तमान अच्छी तेणु आम से बहुत खुशी। किंतु मु आपण माध्यम जनसाधारण को ये अपील करने चाहे कि समस्ते निजे निजे सचेतन रुहतु घर सुरक्षित रुहतु अति अनावश्यक पड़े जी दरकार पड़ी बाहर को बाहर अजथार बाहर को बाहर कहीं कौट भी जब बैचान्स कोई रोगी थाए ताफल आम पुणी ग्रीन जोन दरकार पड़े अलग जोन को जापर तेनाली समस्त से कथा कह चाहे कि समस्ते घर रुहतु और अजथार बाहर को बाहर ना ना आम जहा हूँ भगवान को जगन्नाथ करुणु मानने टिके ना आम सेव सब अच्छू आई खाली तेल टे पकड़ा जाए बर्तमान अगर राज्य सरकार जो कहे ग्रीन जोन मानक
ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ, ଯେ ଯାହାର ସବୁ କାମ ଅଛି କରିପାରିବେ, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ବାହାରିବ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବ, ଏମିତି ନିଜେ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ସେଫ୍ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭଲରେ ନାହୁଁ, ଆଉ କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କ'ଣ ଭାଇ। ଆଉ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମୋତେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଜଣାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା କିଛି ଆମକୁ କୋହଳ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଯଦି ନ କରିବୁ ପେଟ ଗଠନ ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ କର୍ମଚାରୀ ବି ସାତ ଆଠ ଜଣ ପିଲା ବି ଆମ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ କେମିତି ଚଳିବ ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର କିଛି ଯଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମ ହେଇନି, ସବୁ ହେଲା ସବୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତା ସଜ୍ଞଯୋଗ ଘଟଣା ସବୁ ଜାଗା ସେ ସବୁ ଜାଗା ଚେକଅପ୍ କରି ଚେକଆଉଟ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ତନାଦନା ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏପେଲେଖେ ସେ ଚାଲିଛି ଗିନିଷ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ ସକାଳେ କେତେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଜି ବାଇକ୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଉଚ୍ଚ ଆମେ ଅନେଇ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ତାରିଖ କାଲି ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରୀ ପାଇଁ କେତେ କୋହଳ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କରିବେ ତାହା ଆମେ ଅନେଇ ବସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀରେ ଆମର ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ନ ଖୋଲିଲେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାରି ନେବା କଥା ମାରି ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ କଳା ବଜାରରେ ଦୁନିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହାତ ଗଣତି ଚାଲୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରତା ବଜାଇ ରହିଥାଉ, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଖାଲି କରୋନା ଦେହ ରଖେନା, ଆମେ ଧୂଳି ସବୁଥିରୁ ବି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଇଏ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆମ ପୁରୀକି ସବୁବେଳେ କରୋନା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏତିକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ନ୍ତୁ, ସରକାର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଜଠାରୁ ନିଜ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ପାରୁଛନ୍ତି ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀବାସୀ ତ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେହେତୁ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକରି ପୁରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଏଣିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ସକାଶେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସହର ତ ଟିକିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଘଟିଛି, ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ହିସାବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ବୋଲି ସହରବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ପୁରୀର ଯେଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିୟମକୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ପୁରୀକୁ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ ରୂପେ ହିସାବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗ୍ରୀନ ଜୋନ୍ରେ ଖୋଲିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଖୋଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50% କର୍ମଚାରୀକୁ ନେଇ ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ନ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ପ୍ରୟାସ ଟିଭି। ରଙ୍ଗତୁଳି କାରିଗରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ରଙ୍ଗତୁଳି କାରିଗର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଣକୁଶଳୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ରଙ୍ଗତୁଳି କାରିଗରଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗତୁଳି କଳାକାର ସଂଘ ସଭାପତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାରଣା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ରଙ୍ଗତୁଳି କଳାକାର ସଂଘ ନିଜ ଆଡୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମାଗଣାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି।
सरकारी उदासीनता संपर्क में प्रतिवाद प्रदर्शन कर संघर पुरी जिला शाखा पक्ष गुरुवार दिन शरधा बाली में संघर पंचम प्रतिष्ठा दिवस पालन कर रंगतुली कारीगर को चिन्हट और पंजीकरण परिचय पत्र प्रदान समेत विभिन्न सरकारी योजन वाल पेंटिंग कार्य प्रदान निम्ते संघ तरफ दावी एतद्व्यतीत आर्थिक दुर्बल श्रेणी रंगतुली कलाकार सरकार पक्ष कलाकार भत्ता समेत खाद्य सुरक्षा योजन राशन कार्ड धारी परी चाउल एवं आर्थिक सहायता प्रदान निमंते संघ पक्ष दावी करा जाई छी। एबे तो समय हो जाई छी एको विरतीर विरती परे देखिबा अन्यन्य खबर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक अमृत वाटर विद एरिड मिनरल्स प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ स्वाद और क्वालिटी में दमदार 5 रुपए में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ 5 रुपए में मस्त मजा मीना जी प्रीमियम पान मसाला। अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए मीना जी पाचक अजवाइन पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक अमृत वाटर विद एरिड मिनरल्स प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ स्वाद और क्वालिटी में दमदार 5 रुपए में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ 5 रुपए में मस्त मजा मीना जी प्रीमियम पान मसाला। अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए मीना जी पाचक अजवाइन पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। विरोधी परे आपण मानको स्वागत।
कोरोना महामारी को प्रतिहत करिबा पई सरकारक पक्षरु लॉकडाउन समय रे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया करा जाउथिबा बेले ऑरेंज जोन रे थिबा पुरी जिल्ला रे एपर्यंत संपूर्ण स्थान सैनिटाइज होई परि नाही जहा को नै साधारण रे क्षोभ प्रकाश पाइथिबा बेले प्रशासन सैनिटाइजेशन प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा को दाबी होईछि। अन्य पक्ष रे जिल्ला रा प्राय समस्त प्रमुख अंचल रे अग्निशम वाहिनी पक्षरु सैनिटाइज करा जाइथिबा बेले परवर्ती समय रे सैनिटाइज प्रक्रिया जारी रहिबो बोली सूचना मिलिछि। कोरोना महामारी को नै ऑरेंज जोन रे रहिछि पुरी जिल्ला, तेबे एपर्यंत सैनिटाइज होई परिनि समस्त जिल्ला। केतक सरकारी दफ्तर, मेडिकल, श्रीमंदिर, स्वर्गद्वार और कंटेनमेंट जोन छाड़ीदेले एबे भी अन्य समस्त स्थान सैनिटाइज करा जाई नाही। सहरर विभिन्न साही गलिकंदी समेत बड़ बड़ मल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज और ग्रामांचलर अनेक प्रमुख स्थान सैनिटाइज करा जाई नाही। कोरोना मुकाबिला पई सैनिटाइज प्रक्रिया को अधिक त्वरान्वित करिबा सह साधारण लोकमानक विहित स्वार्थ को नजरे रखी लोक बसवास करूथिबा स्थान गुडीक सैनिटाइज करिबा को बुद्धिजीवी मत देइछंती। अन्य पटे पुरी जिल्लार श्रीमंदिर, बड़दांड, स्वर्गद्वार, मेडिकल सह ग्रामांचल अंचलर निमापड़ा, गोप, काकटपुर अंचलर प्रमुख स्थान को सैनिटाइज करा जाइछि। आगामी दिन रे परवर्ती निर्देश परे समस्त जनगहलीपूर्ण अंचल रे सैनिटाइज करा जीवो बोली अग्निशम विभाग अधिकारी सूचना देइछंती। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁରୀ ସହର ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଆଉ କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ଆଉ କକଟପୁର ବ୍ଲକ ଆଉ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ରହୁଛି ସବୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କରୋନା ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଗହଳି ଜାଗା ରହୁଛି, ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଜିଟେବୁଲ ମାର୍କେଟ ହେଉ ବା ଗ୍ରୋସରୀ ମାର୍କେଟ, ସେସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କରିଛୁ। ତାକୁ ବି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଡିସନାଲ ଯଦି ଲକଡାଉନ ଆମର କଲେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଚାଲିବ ଇଏ କରିବ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେଗେସନ୍ ହେବ ବା ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଇଏ କରିବେ ସେସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ କଭର କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଲକଡାଉନ ଭିତରେ କରିବାର କା ନାହିଁ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମଲ୍ ସେ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି, କୌଣସି ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ତ ଟୋଟାଲି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ସେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ତାକୁ କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ କଣ୍ଡିସନାଲ ସରକାର ସପୋଜ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଇଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ କରିବୁ। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ରହିବ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ବୁଧବାର କଦଳା ହଜକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ 64 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
खबर पाई कविसूर्य नगर विधायिका लतिका प्रधान गभीर दुख प्रकाश करिथिबा बेले गुरुवार उक्त शोक संतप्त परिवार घरको जाई परिवारको सहयोगर हात बढाइथिले। सेमानक सहित किछि समय बिताइबा परे किछि आर्थिक सहयोग करिथिले एवं सरकारी सहायता शीघ्र किपरि पाइबे सेथिप्रति चेष्टा करिबे बोली कहिथिले। मृत व्यक्तिक घरको जाई आर्थिक सहायता देबास परिवारको समवेदना जणाइछन्ति। धराकोटरु अशेष कुमार पात्रंक रिपोर्ट अमृत टीवी। कोरोनारे संपूर्ण देश लॉकडाउन थिबारु सरकार लोकमानक खाद्यपेय निमन्ते विभिन्न योजना लागू करिछन्ती किंतु योजनार बाद पड़ा बुला पशुमानक अवस्था अत्यंत शोचनीय हो पड़ी। जनशून्य रास्तारे बुलुछंती सह सह गोरु गाई प्रतिदिन बजारे चलप्रचल करुथिबा व्यक्ति तथा होटल रा फिंगा खाद्य खाई बंचुथिबा बुला गोरु गाई गुड़िक खाइबाकु न पाई जराजीर्ण होइगलेनी। खाद्य पाई एमाने डहल विकल हेउछंती एपरिकी खाद्य भाव जोगु केतेक पशु एक प्रकार मरण मुहकु ठेली होइगलेनी। ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्षरु जेउ सहायता दिया जाउछि ता पर्याप्त नुहे। एभली स्थितिरे पशुप्रेमी एवं पुलिस कर्मी एमानक साहा पालटिछंती। आज बड़बजार थाना अधिकारी प्रशांत भूपति सह गोसाणी नुआगां थाना अधिकारी सुमित सोरेन ब्रह्मपुर बिजड़ी नगर युव संपादक तथा समाजसेवी एल रवि रेड्डी स्वेच्छासेवी ललाटेन्दु चौधरी गणेश साहू मुना कुमार साहू अजीत सेठी कान्हा गौड़ संतोष कुमार गौड़ अनूप नायक अनिल पात्र प्रमुख कुंडा कुट्टा गाई दाना परिवार नेइ बड़बजार स्थित गौड़साही छक पहुंची भोकिला गोरु गाई मानक खाद्य परोसुथिबार देखा विश्वरे कोरोना महामारी रूप नहीं बेले एभली घड़ीसंधि मुहूर्त स्वेच्छासेवी एवं पुलिस कर्मचारी एभली उल्लेखनीय पदक्षेप जोगु स्थानीय महल रे प्रशंसार सुअ छुटुछि। गुरुवार कोदोला कल्याण मंडप परिसर रे कविसूर्य नगर विधायिका लतिका प्रधान जोगदे विज्ञापित अंचल परिषद रा समस्त सफे कर्मचारी को निर्वाही अधिकारी सुजित कुमार चौधरी को उपस्थित रे सेमानक उत्सर्गीकृत सेवा पई संवर्धना ज्ञापन करबा सहित सेमानक उत्तरीय और टंकामाल प्रदान करथिले। एही अवसर रे से सफे कर्मचारी को पई आज आमे गर्व अनुभव करूछु। आपण माने हेउछंती ए घड़ी संधि मुहूर्त रा किल्लर कोरोना रा प्रकृत हीरो बोली संवर्धना करथिले। आपण मानक पाई आंभे गर्वित निज परिवारर सुरक्षा को पछरे पकाई साधारण जनतांक सेवा करबा सहित समस्त वार्ड सफा करी निजको महान करिछंती। एति सहित कनिष्ठ जंत्री स्वच्छ साथी स्वच्छता विशेषज्ञ सुपरवाइजर और समस्त कर्मचारी को लोकंक सेवारे निजको शामिल करिथिबारु से समस्तंकु धन्यवाद प्रदान करथिले। किंतु निर्वाही अधिकारी दुई दुईटी एनएससी दायित्व रे थाई सुधा कोदोला जनसाधारण का प्रति अवदान को संतोष व्यक्त करबा सहित दलमत निर्विशेष रे गरीब असहाय निराश्रय और भिक्षु को सहयोग करबा पई परामर्श देथिले। धराकोटरु अशेष कुमार पात्रंक रिपोर्ट अमृत टीवी। कोरोना महामारी रो मुकाबला पई दो फेज रो लॉकडाउन और एबे केंद्र सरकार रो निर्देश क्रमे थर्ड फेज रो लॉकडाउन स्टार्ट है जी। समस्त पुरीवासी बहुत कष्ट रे हे करी भी जो प्रशासन को सहयोग करी छे सेति पै धन्यवाद जणाइबा को चाहू छी। लेकिन आसंता पीरियड रे हम समस्तन को सेही स्पिरिट को कंटिन्यू करिवार अछि से हमरो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिवा कथा हो कि मास्क पिंधिबाटा कथा हो कि हाथ धोइबार जो प्रैक्टिस है सेटा रहो एटा सब को स्ट्रिक्टली आम फॉलो करिवु। ता संगरे जिला प्रशासन
को एक और सहयोग आपन समस्ते करिवे कांटेक्ट ट्रेसिंग पाई आमे जेते बेले कोई भी केस आसे सेते बेले बहुत बड़ो डिफिकल्टी हुए कांटेक्ट ट्रेसिंग पाई आपन समस्ते प्रत्येक दिन आपन अत्यावश्यक काम रु जेते बेले बाहरंती सेते बेले को जगह रे जानती कहा संगरे कहा संस्पर्श रे रहंती सेठा को आपन सबु दिन घर रे संध्या रे सोइबा पूर्व लिखी गई गोटे पेज रे रखिबे आमको प्रशासन को केबे भी दरकार पड़ले बहुत साहज मिलिबो। एबे तो समय होई जाय छी आज पई खबर एतिकी आमर प्रयास आपण का निकट रे सत्य खबर सठिक टाइम रे पहुंचाइबा एबे मते विदाय दियंतु आज पई एतिकी नमस्कार।